তুমি কোথায় রেকর্ড हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 एंड अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं भूल गई थी ब्लॉग को स्टार्ट करना। मैंने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है और आज आप लोग जिस दिन ये वाला व्लॉग देख रहे हो मतलब कल मतलब आपको मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। बहुत लोगों के घर में पूजा होता है आज के दिन पे तो और एक स्पेशल डे भी है आज मेरे लिए। मेरा बर्थडे है आज और बहुत साल बाद जन्माष्टमी के दिन ही मेरा बर्थडे हुआ है एंड मैं उस टाइम ही हुई थी मतलब जन्माष्टमी के दिन ही मैं हुई थी। मम्मी बोल रही थी तो जो भी है बड़े हैं उन लोगों को प्रणाम एंड जो छोटे हैं ढेर सारा लव एंड सो मुझे थोड़ा आशीर्वाद कर देना। बाहर बहुत तेज़ बारिश चल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है सो गर्मी भी लग रही है मुझे। अभी मेरा फीवर कुछ नहीं है एंड मेरा तबीयत भी ठीक हो गया है। हैप्पी बच्चा। मैं बहुत खुश हूँ आज मतलब बहुत साल बाद जन्माष्टमी के दिन बर्थडे ये। अभी देखते ही इलेक्ट्रिसिटी आ गया है। वाह इलेक्ट्रिसिटी आ गया है और गला थोड़ा सा खराब है लेकिन ठीक है चलेगा। और आज का ब्लॉग मुझे एडिट भी करना है अभी। ये वाला ब्लॉग अभी जो मैं शूट करी हुई है तो आप लोग कल देखोगे वो एडिट करके अपलोड भी करना है तो वो सब कर लेती हूँ पहले। देखो कृष्णा देना प्राजक्ता ए कनिष्काला देना हे ए कनिष्काला सुंदर दिसेल ना प्रसाद हे कनिष्काला घेऊ का हे कनिष्काला ना हो अच्छा शिवेदला देते तू ओके ठीक है नो प्रॉब्लेम। अच्छा कनिष्काला पण दे हो हां हां ठीक है चल आपण बासरी घेणार आहोत बासरी कुठे गेली आपका व्हिडिओ हो नहीं गया। मेरे घर में आज कौन बड़ी ब्लॉगर आ गए हैं। चलो हैंडओवर कर रही हूँ कैमरा। आप बात करो नहीं आती नहीं बात नहीं करना आपको नहीं मुझे सिर्फ वीडियो लेना है। चलो इस रूम क्यों बात करते चल ऐसे पकड़ना है आपको ऐसे अब बात करना है। हाय गाइस कर दो हेलो गाइस कर दो नहीं ओके ठीक है चलो। आपके कुछ खाना है चॉकलेट नहीं केक्स नहीं बिस्किट नहीं चिप्स नहीं ठीक है। हेलो गाइस हाउ आर यू टुडे। तो छोटा करना पड़ेगा हेलो सो ये मेरे भगवान जी है आपको देख ही रहा होगा। ये तो दीदी का घर है और आपका वीडियो यूट्यूब पे जरूर मिलेगा। अब देखिए अब परफेक्ट ये देखिए। आप तो प्रो ब्लॉगर बन गए हो। आप तो मेरे से भी बहुत अच्छा बात कर रहे हो कैमरे के सामने। ये क्यों किया ये 2000 years later तो अभी यहाँ पे प्रजुक्त दीदी आए थे मेरे साथ गप्पे मारने के लिए एंड हम दोनों गप्पे मार रहे थे तो उस टाइम पे तरित आया एंड तरित का सरप्राइज बेचारा फ्लॉप। यहाँ पे मेरे लिए केक लाया है और मुझे दिख गया से निकल रहा था और यहाँ पे दरवाजा खुला था तो मैंने देख लिया बेचारा। रात के 12 बजे केक कटिंग के सीन कुछ सोच रहा था शायद। हाँ, तुम्हें बहुत बचाती हूँ वहाँ पर बोल दूँगा। और मुझे पता नहीं ये पता था। इसी वजह से दरवाजा खुला रख के दिया था। मुझे ये पता था कि तरित मुझे सरप्राइज नहीं दे पाएगा, इम्पॉसिबल। अगर पॉसिबल हुआ तो सब कुछ मान लूंगी मैं लेकिन मुझे पता था कि तरित ऐसा ही कुछ करेगा, सरप्राइज नहीं दे पाएगा मुझे। ठीक है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम करी। ये सब इंग्रेडिएंट्स लगेगा मशरूम करी में, तो ये सब मैंने रेडी कर लिया है। थोड़ा बंगाली स्टाइल में कर रही हूँ तो देखते रहो। मैं ये आलू को फ्राई कर लूँगी। तो अभी मैं तेज पत्ता ऐड करूँगी, थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा जीरा, मैं कांदा ऐड कर दूँगी, अभी मैं नमक ऐड कर दूंगी, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूंगी, करके हल्दी, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, दूंगी। तो अभी मैं थोड़ा ढक्कन लगा दूंगी क्योंकि मशरूम से पानी रिलीज करेगा, वो थोड़ा टाइम लगता है। देखो पानी बहुत रिलीज कर गया है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटो प्यूरी। ओके, सो अभी मैं ऐड करूंगी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काजू का पेस्ट बना के रख दिया था। सो अभी ब्लॉग को एंड करने के लिए आ गई हूँ मैं। हम लोगों ने डिनर कर लिया है, मतलब डिनर तो नहीं, मतलब मेरा राइस पूरा बच गया है। कल हम लोग शायद लंच कर लेंगे वो ही राइस से, और तरित ब्रेकफास्ट में, मतलब ब्रेकफास्ट में कल राइस खा के जाएगा ऑफिस। ठीक है, नहीं तो खराब हो जाएगा ना, ज्यादा बच जाएगा तो बाकी मुझे फेंकना पड़ेगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है राइस फेंकना। तो जो भी है, और प्रजुक्ता दीदी ने, मैंने बताया क्या? अरे नहीं बताया। प्रजुक्ता दीदी ने मुझे बुलाया कि मैं आज पनीर और क्या नान बनाया था, तो तू एक बार आके ले जा, टेस्ट करके देख। तो टेस्ट करने के चक्कर में हम दोनों ने, मतलब पेट पूरा फुल हो गया हमारा तो वही डिनर हो गया। अभी तरित मुझे सोने नहीं दे रहा है, मतलब खराब मीनिंग मत निकालना। तरित मुझे सोने नहीं दे रहा है क्योंकि एकदम 12 बजे केक कटिंग करना है, मतलब मुझे कराना है तो केक कटिंग कराना है तरित को मेरे से। तो ब्लॉग को एंड कर देती हूँ मैं। आ जाओ कार्ड भेजना पड़ेगा क्या? तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं क्यों वाइफ बोलने जा रही थी? ओके, सो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय। तुम्हें कोता है तो तरित मुझे ये वाला रिंग गिफ्ट किया है आज, ये वाला रिंग। अब फोकस नहीं ले रहा है ये क्यों? और यहाँ पे केक रेडी करके रख दिया है। केक मैंने उस टाइम पे ही देख लिया था। अभी केक कटिंग करना है, नहीं तो मेरा दिमाग खराब कर देगा। एक्चुअली मुझे केक कटिंग के लिए नहीं, उसको केक टेस्ट करना है, खाना है, ठूसना है। इसीलिए मुझे बार बार बोले तुम केक नहीं कट करोगे, और मेरा आके फूल गया है। तो मुझे बहुत नींद आ रहा है। ये देखो केक, मोमबत्ती लाना भूल गया, मोमबत्ती मोमबत्ती। ठीक है, वो छोटा वाला कैंडल ला दो, भगवान के पास जो है ना वो वाला ही ला दो। मोमबत्ती लाना भूल गए तो एक बार मोमबत्ती से चलाना पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं काम करो, मैं चटनी लेके आ जाओ और चम्मच लेके आ जाओ, तुम्हें मैं दे देती हूँ, ये फ्रिज में डाल देती हूँ। मुझे आज नहीं खाना। আমি যখন হয়েছিলাম তখনও মা বলে এরকম বৃষ্টি হয়েছিল, প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল। আর আমার দিদাও বলে আমি যখন মামার বাড়ি যাচ্ছিলাম তখনও, মানে আমাকে নিয়ে যখন মামার বাড়ি যাচ্ছিল মা, তখন এরকম বৃষ্টি হয়েছিল। বাপ কি জোরে, দেখো এই মুহূর্তে এরকম হলো, কি অবস্থা।